नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय मौजूद है शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर, जहां पर आज सद्भावना रैली का आयोजन यहां पर किया गया है। विभिन्न संगठन के लोग यहां पर मौजूद हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय की बात करें, तिब्बती समुदाय की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, सभी संगठन जो है आज इस सद्भावना रैली में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। मकसद एक है कि जो है शांति जो है प्रदेश में यहाँ पे बने रहे। जिस तरह से एक मामला, जो अगर हम बात करें राजधानी से मस्जिद जो विवाद मामला यहाँ पर चला, पूरे प्रदेश में जो है उसका असर देखने को मिला। उसके बाद इन सभी संगठनों का ये कहना है कि जो आपसी जो भाईचारा है वो कहीं ना कहीं खत्म यहाँ पर नजर आ रहा है, और कई लोग जो है अपनी राजनीतिक जो रोटियाँ यहाँ पर सेक रहे हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, शांतिप्रिय प्रदेश है, और ऐसे प्रदेश में सुख शांति यहाँ पर होनी चाहिए। तो इससे पहले जो है आज आपको ये उपायुक्त कार्यालय के बाहर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर इसी संदेश को लेकर सभी लोग यहाँ पर हैं। सभी समुदाय को स्वतंत्रता से जीने का हक है, इस तरह के जो स्लोगन लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। और बात करें हम आपको इस सद्भावना जो एक रैली जो आज यहाँ पर आयोजित की जा रही है, उसका एक सिर्फ एक ही मकसद है कि प्रदेश में शांति का यहाँ पर माहौल बने रहे। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं इस में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपको बता दें कि इसमें स्नेह और ज्ञान समानता का प्रतीक है, इस तरह के जो है यहाँ पर है। हमें जो तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे, पर अगर हम थोड़े से शिक्षित हो जाएंगे तो इसके बहुत बढ़िया पर रहेगा। तो इसी तरह के स्लोगन लेकर जो है यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हैं, हाथों में जो है ये जो स्लोगन यहाँ पर है और आपसे संदेश। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर सांप्रदायिकता जो है मानवता की जो है दुश्मन है। एकता का मूल मंत्र है विकास का, यानी कि अगर हम एक रहेंगे तो एक विकास यहाँ पर रहेगा। तो इसी तरह से जो है आज सभी समुदाय के जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बातचीत करेंगे। और आपका नाम क्या है? तो हम बातचीत करेंगे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हजीत हसीन अहमद। हसीत अहमद, जिस तरह का ये माहौल बना है और आज जो है सांप्रदायिक का जो है रैली यहाँ पर निकाल रहे, कितना महत्वपूर्ण रहता है? भाई कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ 71 से रह रहा जी। 71 से रह रहा हूँ। यहाँ के प्यार को देखते हो, मैं 71 से रह रहा हूँ यहाँ। यहाँ इतना प्यार हैगा हिमाचल में कि बात ना पूछो। मैं जमींदारों में रहा, बाग बगीचों का मैंने काम कर। अच्छा। जमींदारों में रहा, अच्छी सेवा करें बेचारे, अच्छे सुनावे, रात दिन चाहे पैसा लेके कहीं को भी निकल जाओ, कोई नहीं, कोई टच नहीं कर सकता। मुझे यहाँ प्यार दिखा तो मैं यहाँ इतनी जिंदगी काट गया। तो 71 से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो आज से पहले इस तरह का माहौल बना? नहीं नहीं जी, हमने देखा ये नहीं देखा माहौल। तो ये माहौल यहाँ बना किसको जिम्मेवार रखते हैं कि जिस तरह से? किसी को नहीं जिम्मेवार बनाता जी, वो तो ऊपर वाला देख रहा सब कुछ, वो सबका मालिक है। अल्लाह ईश्वर एक ही है, और हम सबकी औलाद आदम की औलाद है। आप वो कहते भोला शंकर, हम कहते बाबा आदम, आप कहते पार्वती, हम कहते अम्मा हवा, सब एक ही उसका औलाद है, सब एक ही की। और मन के भी एक ही जगह जाना जहाँ से आ रही है, सब भा रही है भैया सब। और ये हमारी माँ बहन है, ये हमारी माँ बहनें हैं सब, मेरी बेटियाँ जो भी है सब मेरी बेटियाँ। अगर हम इन्हें अमानत सब देंगे ना किसी की, तो खुश रहोगे। अगर अच्छा करोगे, अच्छी नज़रों से देखोगे, खुश रखेगा ऊपर वाला। अगर गलत नज़रों से देखोगे, गलत काम करोगे, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप इसी रैली के साथ, क्या सभी प्रदेशवासियों के संदेश देना चाहेंगे? हम कोई भी हो, किसी हम तो एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, और सबको ऊपर वाला सलामत रखिए, और खुदा हाफिज, अल्लाह सब बखैर, सब बखैर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। देखिए सबका सुख यहाँ पर रहना चाहिए, इस तरह के कहना है कि 1971 की अगर बात करें तो 71 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और इसी को लेकर जो है आपको ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं सद्भावना रैली की से पहले की कुछ तस्वीरें। चलिए बातचीत भी करेंगे और भी यहाँ पर सभी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किस तरह का माहौल यहाँ पर चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि क्या यहाँ पर माहौल रहना चाहिए। चलो जो भी है, तो हम आज सभी संगठन है ना सामने, वो हमारे लिए बोलेगा ना बात करने के लिए। अच्छा कोई है?
हम इससे बात करेंगे सर, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम पंकज शर्मा। आज जो है सद्भावना रैली में आप भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या संदेश है, कितना जरूरी है एक शांति प्रिय प्रदेश के लिए? शांति प्रिय प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। जब इस देश का फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ था तो हिंदू मुस्लिम ने इकट्ठे मिलकर लड़ा था। आपको पता है भगत सिंह का कल जन्मदिन है 28 सितंबर को, और भगत सिंह जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े थे और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े थे, आज भगत सिंह की सिर्फ पूजा करने की जरूरत नहीं है कि पूजा कर दी फूल चढ़ा दी, उससे नहीं होगा। उसका विचार क्या था, भगत सिंह क्या बोलता था कि जात और धर्म के नाम पे अगर हम इस तरह से करते रहे तो देश से ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन काले आ जाएंगे, और वही हुआ। तो हिंदू मुसलमान के नाम पे जो फसाद कर रहे हैं अभी, एक बार आपको पता है वो भगत सिंह को फंसाया गया था उसमें दशहरा ग्राउंड में एक विस्फोट, उसमें जो उसको षड्यंत्र में फंसाया गया, तो एक जूनियर जो पुलिस ऑफिसर था उससे सीनियर पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि भगत सिंह करता क्या है, तो क्या बोलता कि भगत सिंह पर्चे बांटता है, गांव-गांव में जाके लोगों को जागृत करता है, साम्राज्यवाद के खिलाफ बोलता है और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था अंग्रेज जो भारत पर राज कर रहे थे वो क्या बोलते, अरेस्ट हिम ही इज अ डेंजरस मैन, कि जो मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे वो खतरनाक है, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। तो आज जो हिंदू मुसलमान के नाम पे अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस देश में आग लगा रहे जगह जगह, कई समुदाय के लोगों को बोल रहे ये गरीब लोग हैं बचा रही है, जो छाबा कहीं रखते हैं, जो कहीं अपना सिलाई करते हैं, इस देश के नागरिक हैं, कहाँ जाएंगे, इनको उठा के हिंद महासागर में फेंक दें क्या? ये सारे इस देश के नागरिक हैं और सबका बराबर का अधिकार है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। तो हमें फसाद नहीं करना चाहिए, हमें प्यार की बात करनी चाहिए, और वही हम आज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस हमने कहा कि अंग्रेज ने पहले जो फूट डालो शासन करो का एक यहाँ पर रहता, आज के कौन है वो चीज जो लोग जो है फूट डाल रहे हैं? आप जानते हैं मीडिया के मतलब 90% मीडिया हाउसेस क्या दिखा रहा, शाम को हिंदू मुस्लिम दिखा रहा। आज क्राइसिस है यार, जो बाजार में मंदा है, गरीब लोग हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे ये, इनको आप हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे, सरकार के पास देने के लिए नौकरियां नहीं है तो बेचारा अपना रोजगार जो चला रहा उसको लड़ा रहे आप हिंदू मुसलमान के नाम पे। हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने की बजाय सब देश के लोगों के लिए अच्छे से काम करा जाए। बेचारे शिमला में तो सारे माइग्रेंट बाहर से आए ना, शिमला तो बसाया गया ना, शिमला में तो जंगल था, कुछ नहीं था, यहाँ पे अंग्रेजों ने बसाया इसको, 20-22 हज़ार लोग शुरू में थे, आज लाखों लोग हैं यहाँ पे जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर इस तरह से फसाद करेंगे ये देश नहीं रहेगा। तो देश की एकता के लिए जरूरी है कि हम हिंदू मुसलमान ना करें, और इंसान का धर्म होता है इंसानियत, बिच्छू का क्या धर्म है काटना, पानी का क्या है बुझाना, आग का क्या है जलाना, तो इंसानियत का क्या है, इंसान का क्या है इंसानियत, सबसे पहले हम इंसान हैं। बोलते दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, पाप मूल अभिमान, दया है धर्म का मूल। सब धर्म दया सिखाते, नफरत नहीं सिखाते। अगर कोई सिखा भी रहा नफरत, उसको नफरत से जवाब मत दो, प्यार से दो। नफरत से नफरत को नहीं जीता जा सकता, प्यार से जीता जा सकता है। बहुत शुक्रिया। तो प्यार से यहाँ पे जीता जा सकता है, इस तरह का जो यहाँ पर कहना है, और हिंदू मुस्लिम जो है एक है, इस तरह की ये बातें जो है यहाँ पर सामने, जो आज जो लोग इस सद्भावना रैली में यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस ये जो सद्भावना जो रैली के से पहले की तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं, इसमें जो है सभी जो समुदाय के जो लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी को जो है एकता का जो संदेश यहाँ पर देने की बात की जा रही है। चलिए बातचीत करते हैं सर, सबसे पहले नाम बताएं। सांस तो लेने दो यार जरा। मैं कैप्टन NPS भुल्लर शिमला कलेक्ट के सदस्य हैं हम, और मैं ये ननकारी मिशन
जो बमलोई में है उसके भी सेवा मैं कर रहा हूँ। निरंकारी मिशन से जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, इस तरह का स्लोगन भी है आपका। आपको क्या लगता है कि आजकल का जो माहौल जो प्रदेश में आपने बना है, क्यों ये माहौल पैदा, और आज जो सद्भावना रैली में भी आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में, किस तरह की देवभूमि है और शांति अच्छी अच्छी भूमि है? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सृष्टि को हम जैसा बनाना चाहेंगे वो इंसान के हाथ में हुआ करता है। युगों युगों से हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने, जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं, सभी ने एक ही शिक्षा दी है कि हम सब मानव मानव को हो, मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। और मानव एक दूसरे का सहारा तब बन पाता है जब मानव का एक दूसरे मानव के साथ एक रिश्ता एकत्व का होता है, प्यार का होता है, जहां दया होती है। कहते हैं दया धर्म का मूल है। अगर धर्म के मायनों के अंदर से हम दया ही निकाल देंगे तो वो फिर धर्म धर्म नहीं रह जाता। तो ये जो पूरा सिलसिला यहाँ चल रहा है ये कुछ अच्छा नहीं है। एक इंसान की सोच में इतनी तंग दिली है, तंग फिरका पंथी है कि वो दूसरे को झेल नहीं पाता। जब हम बात करें सृष्टि की, जहाँ जैसे हमने शुरू किया है, ये सृष्टि तो एक ही प्रभु परमात्मा ईश्वर वाहेगुरु गॉड अल्लाह, जिस भी नाम से उसे पुकारें, उसने बनाई है। और सभी को जो है इस धरती पे रहने का हक भी है, और उसी तरीके से हमने सबको एक दूसरे से भाव से रहना भी है। और इंसानियत हमारी तभी बन पाती है जब हम इस ईश्वर को जानेंगे। अगर ये ईश्वर एक है, उसको हम किसी भी नाम से पुकार लें, गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, वाहेगुरु कह लें, ईश्वर कह लें, भगवान कह लें, उसका अस्तित्व तो बदलता नहीं है, भगवान तो एक ही रहेगा। अगर ये हमें मालूम पता लग जाए, एक पिता एकस के हम बालक, अगर हम एक ही पिता के सब बालक हैं, सारी सारे जितनी मानवता इस धरती पे है एक ही पिता की संतान है, और इसको जान लें तो ये मेरा ख्याल तंगदिली दूर हो सकती है। और हम कोशिश यहाँ आज इसी संदर्भ में हम सब इकट्ठे हुए हैं कि जो एक शिमला शहर है, ये एक बहुत ही पीसफुल और हेरिटेज शहर है, जिसके अंदर देश भर में इसकी मान्यता भी है, लोग टूरिस्ट भी आते हैं। और अगर हमारे ऐसे ख्यालातों के कारण एक एक बड़ा ही नेगेटिव मैसेज अगर टूरिस्ट को, पर्यटक को जाएगा, संसार भर में जाएगा, तो कौन उसको अच्छा कहेगा, कौन सराहेगा, कौन आएगा यहाँ? तो ये जो, और उसका ना आने से क्या है, सबके व्यवसाय में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार ही पर्यटक के उसके ऊपर है, टूरिस्ट के ऊपर है। तो ये जो है एक छोटा सा इंसिडेंस, अगर एक इंसान के दूसरे में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसको इस धर्म के आधार पे एक इसको इतना उछालना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारा यही एक कहना है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर एक पीसफुल शहर है, पीसफुल तरीके से यहाँ को एग्जिस्ट करें, क्योंकि यही हमको सिखाया गया है युगों युगों से, यही हमको करना है। और अगर मानव ने, अगर मानव की तरह के इंसानियत के गुण ही ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो मानव मानव नहीं कहलाता, फिर तो कोई दरिंदगी है। वो जो पशु पक्षी जैसे हैं, वैसे का वैसा व्यवहार हम भी कर रहे हैं। तो वो हम कोशिश करें कि हम उन वैल्यूज़ को, इंसानियत के वैल्यूज़ को अपनाएँ, और इन छोटे छोटे तंग दिली के फिरकापंथी से हम बाहर निकले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। बहुत अच्छी बात कही कि ईश्वर एक है, किसी भी नाम से आप चाहे पुकार लीजिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, इनका ये भी कहना है कि अगर हम लड़ते रहेंगे, जानवरों की तरह लड़ते रहेंगे, तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क यहाँ पर रह जाएगा। तो विभिन्न समुदाय के जो लोग यहाँ पर आज पहुँचे हैं, सभी का मानना है कि संदेश यही है कि भाईचारे का संदेश यहाँ से आज यहाँ पर जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो आज धर्म के नाम पर इनका ये कहना है कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, वो बंद करें। और जिस तरह से एक माहौल, जिस तरह से शांतिप्रिय यहाँ पर माहौल बना रहे, तो इसी तरह से यहाँ पे बना रहे, पूरे प्रदेश में इसी तरह का माहौल बना रहे, पूरे देश में जो है शांतिप्रिय माहौल बना रहे। तो सद्भावना जो है रैली आज इसका यहाँ पर आयोजन है। आपको बता दें कि उपायुक्त कार्यालय से लेकर शेर पंजाब जाएंगे, शेर पंजाब के बाद जो है सीधा ऐतिहासिक रुझान पर वहाँ की और यहाँ पर रुख करेंगे। तो सभी के पास में एक ही जो यहाँ पर संदेश है कि भाईचारे का संदेश लेकर यहाँ पर जाना है, और इसी संदेश के साथ जो है आज ये सद्भावना जो रैली है, नहीं है।
रही है, आप कोई बात करेंगे? हाँ हाँ करेंगे। कौन सबसे पहले अपना नाम बताएं? सलमा। सलमा जी, जिस तरह के माहौल बना है और आज सब भावना रैली में आप यहाँ पर आ रहे हैं, कितने सालों से? सबसे पहले कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं शिमला के? जी हमारे बाप दादा यहाँ पे 47 से भी पहले रहते थे। अच्छा। लोल बाजार बुटेल बिल्डिंग में। फिर मेरी उम्र आ गई 65 साल, मैं भी 65 साल से शिमला के अंदर रह रही हूँ, लक्कड़ बाजार ईदगाह में। कभी हमने इस तरह का तनाव यहाँ पे नहीं देखा जैसा अब आ रहा है कि हिंदू मुसलमान हम तो सब अपने मतलब भाईचारे से रहना चाहते हैं, रहेंगे आगे, यही हम कहना चाहते हैं। एक चीज चाहना रहेंगे कि आप जो सभी कह रहे हैं कि सही के साथ सही होना चाहिए, गलत के साथ गलत होना चाहिए, तो आप क्या इस चीज का समर्थन करते हैं? कोई गलत चीज यहाँ पे हो रही है तो उसका गलत ही उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ जो गलत कर रहे हैं। तो आपका क्या? हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम भी यहाँ के ही रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के। ठीक है जी। तो चलिए और भी है हमारे साथ, और भी बात करेंगे। आपका नाम? अफसाना। आज जो है आप इस सद्भावना रैली में यहाँ पर आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले संदेश बस कि हम यही बोलना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, एक साथ रहें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, शांति का संदेश। शांति का संदेश। आप भी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कहकशा है। तो आप एक युवा भी हैं, एक बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो क्या लगता है आपको जो इस तरह का माहौल यहाँ पर बना है और इससे पहले आपने देखा था, और क्या संदेश आप यहाँ से आप देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सबको जो है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और हम यही चाहते हैं कि सब प्यार मोहब्बत से रहे, ना हम किसी के दुश्मन है और हम ना चाहते कि कोई हमारा दुश्मन बने, इसलिए हम ये शांति का पैगाम देना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ सब शांति से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। शांति का पैगाम लेकर आज जो है यहाँ पर सभी समुदाय के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और इसी शांति के जो है को लेकर जो है आज विभिन्न संगठनों ने आह्वान किया था कि आज जो है शिमला में खासतौर पर, क्योंकि ये जो विवाद यहाँ पर शुरू हुआ था, जो विवाद यहाँ पर शुरू हुआ था, ये विवाद शिमला से शुरू हुआ था, और शिमला से ही इनका ये मानना है कि शिमला से ही ये शुरुआत यहाँ पर की जाएगी, और ये शुरुआत जो है शिमला से यहाँ पर की जाएगी, और शुरुआत के साथ जो है सद्भावना रैली में यहाँ पर बात करेंगे। राकेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, सभी का मानना है कि ईश्वर एक है, अल्लाह गॉड क्या किसी नाम से यहाँ पर पुकार ले, सद्भावना रैली का भी आज यही मकसद है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए हम तो सिर्फ बहुत शॉर्ट कह रहे हैं, आज हिमाचल प्रदेश तब आगे बढ़ेगा जब हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे जाएगी, और हिमाचल प्रदेश की अवाम की अर्थव्यवस्था आप समझने की कोशिश करो, अवाम की अर्थव्यवस्था 90% आज अपना जीवन यापन खेती के आधार पर चलाते हैं, जिसका मुख्य फल है और उस मुख्य में सेब है। अगर शांति नहीं रहेगी तो सेब का कारोबार ठप होगा। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और इसीलिए सेनानी सिर्फ देश के कोने कोने से नहीं आते हैं, ब्रिटानिया से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, फिलिस्तीन से आते हैं, यूरोप के हर मुल्क से आते हैं। हम आज उनको ये कहना चाहते हैं, आप आइए, खुल के आइए, हिमाचल प्रदेश की आवाम आपका स्वागत करती है, क्योंकि हमारे जैसा शांतिपूर्वक राज्य ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हमारा मानना है। छोटे मोटे तनाव चलते हैं लेकिन वो पास्ट टेंस का प्रश्न है, इसलिए आज हम संदेश इतना ही देना चाहेंगे कि भाईचारा जब सबसे ज़्यादा तनाव देश के अंदर हुआ, उस समय भी हमने भाईचारे को नहीं भूला। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम समझते हैं इन सब की भागीदारी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में रही, और वो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन हमारे लिए मिसाल है कि हमने इस देश को किस तरीके से चलाना है, और उसी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने हमारे संविधान को पैदा किया है, और हम उस संविधान की आज शपथ वहाँ पर जो गांधी जी का स्टैचू है ना, मूर्ति है, वहाँ पर उस शपथ को एक दफ़ा फिर दोहराएंगे। इतना ही छोटा सा संदेश आज हम इस मार्च के जरिए
ये कोई ऐसा नहीं है, ये शांति का पैगाम हम इस गैदरिंग से करना चाहते हैं। एक किस्म का त्यौहार है ये, जिसमें हर समुदाय के लोग शामिल हैं, हर जाति के लोग शामिल है, हर लिंग के लोग शामिल है, और शहर क्योंकि मेट्रोपॉलिटन नेचर है, हिमाचल के कोने कोने से जो इस शहर में रहता है उसका हिस्सा है, देश के कोने कोने से जो शहर के अंदर छोटा मोटा कारोबार करता है और बसता है वो भी इसका हिस्सा है, अलग अलग व्यवसाय के लोग भी शामिल हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा है, कुछ रिटायर्ड जो प्रोफेसर विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर्स हैं वो शामिल हुए हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो रिटायर्ड वो शामिल हैं, आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर शामिल हुए हैं, डायरेक्टर जो एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के हैं उनके डायरेक्टर महोदय जो रिटायर हुए हैं वो शामिल हुए हैं। इससे बड़ा संदेश दुनिया को जा नहीं सकता है। मैं समझता हूँ आप इस संदेश को अगर सही तरीके से ले जाएंगे वही आज इसकी सफलता होगी, और हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व और सफलता भी इसी पर निर्भर करता है, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये थे राकेश सिंघा जी, और उन्होंने कहा कि शांति का जो संदेश यहाँ पर देना है, और इसी को लेकर जो है आज इस रैली का जो सद्भावना जो रैली है यहाँ पर इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। सभी समुदाय के लोगों से हमने बातचीत की, सभी समुदाय के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, अपने अपने विचार सभी ने यहाँ पर रखे हैं। तो ये सद्भावना जो रैली है अब यहाँ से शुरू होगी, और शुरू होने के बाद जो है पूरे इस शिमला की राजधानी के लोबर बाजार में लोगों को संदेश देते हुए आगे जाएगी। उसके बाद जो है महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने एक शपथ भी यहाँ पे ली जाएगी, और ये शपथ क्या होगी, जिस तरह से इनका ये कहना है कि जब आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, जब आज़ादी का आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, तो इसी के बाद जो है आज मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है, क्या मैसेज देना है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। चलिए अब हम बात कर रहे थे जिससे समुदाय के हमने लोगों से बात की है, तो चलिए पूर्व जो यहाँ पर महापौर यहाँ पर रह चुके हैं हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से यहाँ पर हैं। सर, आपका स्वागत है लाइफ टाइम्स टीवी में। आज सद्भावना रैली में आप भी यहाँ पर रहे हैं, शांति का संदेश यहाँ पर दे रहे हैं, क्या लगता है इस तरह का माहौल बना है शिमला से स्टार्ट हुआ है पूरे प्रदेश में, इसमें कितना सफलता मिलेगी इस तरह की रैली से? इसमें बहुत सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो मैं शिमला वासियों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि किसी की बातों में ना आए, और शिमला में जैसे आज तक शांति बनी रही वही शांति बना के रखें। अभी पिछले दिनों में संजौली में जो कुछ हुआ बहुत शर्मनाक था। शिमला के लोग तब भी शांति प्रिय थे, मगर उस जुलूस में हिमाचल के और हिस्सों से जो लोग आए जिन्होंने उत्पात मचाया या पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों को मजबूरी एक्शन लेना पड़ा, वो निंदनीय है और शर्मनाक है। शिमला में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं शिमला के लोगों से पुनः अपील करना चाहता हूं आपके द्वारा कि शिमला में शांति बनाए रखें, लोगों की बातों में ना आए। रही एक पर्टिकुलर समाज के लिए अपशब्द बोलना निंदनीय है। कई सालों से शिमला में रह रहे हैं, मुझे खुद 60 साल हो गए हैं, 60 साल से मैं भी शिमला में रहा हूँ, शिमला में आज तक कभी ऐसा वातावरण नहीं देखा। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी शहर में या देश में एक शांति रखना चाहती है, सब लोगों से मिलजुल कर रहती है, मगर कुछ तत्व ऐसे हैं जो उसको खराब कर रहे हैं और शिमला में अशांति और हिमाचल में शांति फैला रहे हैं। कृपया करके मेरे हिमाचल के लोगों से, खासकर शिमला के लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों से बचें और शिमला में जो शांति थी उसको शांति बनाए रखें। धन्यवाद। ठीक है, शिमला में शांति बनाने का सभी जो है यहाँ पर आज संदेश यहाँ पे दे रहे हैं। तो आस्था जी तो इसी संदेश को लेकर जो है आज सभी जो है चाहे नेतागिरी राजनीति रहे आप यहाँ पर पहुंचे। आस्था जी, एक शांति का संदेश लेकर आज इस भावना रैली में आप भी हिस्सा यहाँ पे ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
बस मेरा तो यही है, सभी के लिए संदेश भी है और सब लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अगर हम लोग उसी भीड़ तंत्र का वो बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में बनना चाहता है, तो हिंदुस्तान उसमें नहीं आ सकता है। अभी विश्व आप देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर एक अगर भारत का नाम है तो वो इसलिए है कि खूबसूरत यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, और वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने एक कट्टरवाद को हराने के लिए एकजुट सब लोग खड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पे नहीं चलने देंगे, हम लोग ना चलना नहीं। हम चाहते हैं हिमाचल जैसा जो राज्य है, जो पूरे प्रदेश में एक शांतिप्रिय माहौल है, पूरे प्रदेश में कभी ऐसी घटना नहीं हुई, तो हम लोग पूरे देश को यही समझाना चाहते हैं कि अगर उपद्रव या ये तोड़ फोड़ या सिर्फ जो आप फाड़ने वाली बातें करते हैं, अगर वो एक सोल्यूशन होता तो क्यों संविधान बनता, फिर तो बाकी जो कंट्रीज हैं वही वो यहाँ पे भी होता। ये बड़ा एक शांतिप्रिय देश है, प्रदेश है, देश है, और साथ के साथ में देवभूमि है। यहाँ सबके लिए इज्जत, सम्मान, प्यार और सत्कार है। जो गलत लोग होंगे वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, किए जाएंगे, और लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे हम लोग उनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ का समाज खुद लड़ना जानता है, उठना जानता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो यहाँ का लोग जो है खुद यहाँ पर लड़ना यहाँ पर जाता है, कुछ डटना यहाँ पर जाता है, तो इसी संदेश को लेकर आप सद्भावना रैली यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और सभी का ये कहना है कि अब जो है भाईचारे का संदेश यहाँ पर देना है, और भाईचारे का संदेश यानी कि प्रदेश में शांति बनाने के लिए है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम से भी। धन्यवाद।